अब बात करते हैं खैरपुरनाथन शाह से, जहां चोरों ने डेरे डाल दिए। दिन ब दिन बदमनी में इजाफा, पुलिस चोरों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार व्यापारियों ने एहतजाजी मुजाहरा करके प्रेस क्लब के सामने रोड को बंद कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो से। खैरपुरनाथन शाह में 3 रोज कबल होने वाले मशहूर व्यापारी सुहेल अहमद की चोरी के बाद खैरपुरनाथन शाह के व्यापारी और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जानिब से खैरपुरनाथन शाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आए उनसे मजीद जानते हैं उनका सवाल से क्या कहना है। दीदी शादी नाली SHO DSP और हम पूरे जिले इंतजामिया को समझते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई न रिकवरी है, न बंदे सामने लाए गए हैं। SHO कह रहा है कि हमने शूज लिए हैं कुत्तों की, फौजी कुत्तों की खोजना से, और वो बंदे भी पकड़े हैं, आप ये FIR कटवाएं। हमारा मुतालबा ये है कि पहले रिकवरी हो फिर FIR हो, बंदे भी सामने नहीं लाते, किस पे FIR कटवाएं। अब ये चोरी एक नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी चोरियां हुई है। हम आज सारी यूनियन रेशम गली इताद, आल व्यापारी इताद, बाकी सब आप हजरात वकील बरादरी जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुतालबा करते हैं इस प्लेटफार्म से कि ये जो शहर की चोरियां पहले भी हुई हैं उस समेत ये शहर शेख की चोरी हुई है, ये हमें वापस कराई जाए, शहर का अमन अमान बहाल किया जाए, और जिससे ये अमन अमान बिगड़ रहा है तो उनके लिए थोड़ा ऊपर सिंध लेवल तक भी इस पर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे हम। पुलिस की कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इन्होंने कहा हमने चोर पकड़ के ले आए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अभी तक कोई रابطہ उन्होंने नहीं किया है। मेरी चोरी हुई है 6 से 7 लाख, ये हमने थोड़ा सा एहतजाज किया, ये हम उनको रिकॉर्ड करा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगर इन्होंने आज तावन नहीं किया, ये आगे बढ़ेगा और शटर बंद हड़ताल तक जाएगा, हाईवे तक भी जाएगा। इस धरने से थोड़े से छोटे से धरने से हमें इंतजामिया को बावर कराना चाह रहे थे कि जो हमारे सुहेल शेख की चोरी की हुई है जो डाकुओं ने, और SHO के मुताबिक वो डाकू गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन अभी तक वो कोई यानी कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये जो हम आज देख रहे हैं मुजाहरा है, ये एहतजाजी धरना दिया हुआ है, ये शहर में बदमनी जो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। 3 दिन पहले सुहेल शेख की दुकान से चोरी हुई थी, वो अभी तक वापस नहीं हुई, और पुलिस इंतजाम यही कह रही है कि 3 दिन का अल्टीमेटम उसने लिया था, मगर 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं, अभी तक उसने कोई रिकवरी वापस नहीं की। ये धरना भी उसी वजह से है, और हम देखते हैं कि केनशा के अंदर रोज़ ब रोज़ ये जो बदमनी है वो बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोगों से ये सामान छीना जा रहा है, चोरियां बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से पुलिस इंतजामिया बिल्कुल खामोश है, हम उससे मुतालबा करते हैं कि जो अमन अमान है शहर का वो बहाल किया जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा जो है हम वसी करेंगे। मेहरबान। खैरपुरनाथन शाह में 3 रोज कबल होने वाली चोरी, खैरपुरनाथन शाह के मशहूर व्यापारी सुहेल अहमद शेख की चोरी के खिलाफ जो है आज व्यापारी इतिहाद और दूसरे इतिहादों की जानब से खैरपुरनाथन शाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना लगा कर बैठ गए। उनका मुतालबा है कि खैरपुरनाथन शाह में बढ़ती हुई बदमनी जो है उन पर कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, HN News खैरपुरनाथन शाह।